गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आप सभी अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था कल, दूषित पर्यावरण, चैप्टर नंबर 13। ठीक है क्लास, अब आपको क्या करना है, इसके हमने कठिन शब्द शब्दार्थ आपको लिखवाए हैं, अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। आप सभी बच्चे लिखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है हमारे मौखिक प्रश्नोत्तर, क्या है मौखिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न क्या है, क्या आप प्रदूषित वातावरण में रहना पसंद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं? क्या आप पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं? आंसर लिखेंगे हाँ, हम पर्यावरण के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। क्या आप क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप तेज आवाज में संगीत सुनना पसंद करते हैं? आंसर लिखेंगे नहीं। सभी लिखे इन क्वेश्चनों को, ये हमारे मौखिक प्रश्नोत्तर है। सभी लिखेंगे इनको,
उसके बाद है हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है कि क्या समझा पाठ से, आपने पाठ से क्या समझा है उसके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण किसे कहते हैं? ये सभी ने लिखा, इसके बाद लिखेंगे क्या समझा पाठ से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे हमारे आसपास की वे सभी भारी परिस्थितियां जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं जैसे वायु, जल, भोजन, सामाजिक परिस्थितियां, पर्यावरण कहलाती हैं। प्रश्न नंबर टू, वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? आंसर लिखेंगे वायु प्रदूषण होने के कई कारण हैं। जैसे इधर उधर कहीं भी कूड़ा फेंकना, फेंक देना, खुले में मल मूत्र त्याग करना, कारखानों से निकलने वाला धुआं,
चारों ओर उठने वाले धूल, और प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या। सभी लिखेंगे, सभी के क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बढ़ती हुई जनसंख्या से वायु प्रदूषण कैसे होता है। लिखेंगे, प्रश्न है हमारा 3, बढ़ती हुई जनसंख्या से वायु प्रदूषण कैसे होता है, बताइए। सभी मनुष्य सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत
पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रकृति का में संतुलन बना रहता है यदि जनसंख्या बढ़ती गई पेड़ पौधे कम होते गए तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी लिखेंगे सभी ने किया। आज हम इतने ही करेंगे, कल इससे आगे के क्वेश्चन सर आपको लिखवाएंगे क्लास। आप सभी इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे यहां तक। ओके क्लास, यहां तक समझ में आ गया। फिफ्थ क्लास आप सभी करेंगे इनको अच्छे से। ओके क्लास, थैंक यू।